नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल रीमेकेट पर। बिहार के गवर्नमेंट स्कूल में जो सिलेबस पढ़ाया जाता है वही मासिक शैक्षिक कैलेंडर वर्ग 7 का इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो ये वीडियो जो बनाया गया है इसका आधार क्या है? क्या ये मन की अपनी सोच है या मेरी मनगढ़ंत बातें हैं? जी नहीं, ये ऑफिशियल है जो सिलेबस इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। वो क्या है ऑफिशियल, कौन सा पत्र है? तो आपके स्क्रीन पे एक पत्र फ्लैश हो रहा है और वो पत्र है 6/21/11/9/2023। यह आपको सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया है इस मासिक शैक्षिक कैलेंडर को लेकर। तो इसी आधार पे ये पूरा का पूरा वीडियो है जिसमें हम वर्ग 7 के सिलेबस को जानेंगे। तो आइए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं शैक्षिक कैलेंडर। विषय हिंदी। इस विषय हिंदी में अप्रैल से लेकर और मार्च तक के पाठ को जानेंगे कि किस महीने में कौन सा पाठ पढ़ाया जाना है। आइए देखते हैं अप्रैल। अप्रैल में है आपको दो पाठ पढ़ाए जाएंगे, वो है मानव बनो और नचिकेता। मई में आपको तीन और चार दो पाठ पढ़ाए जाएंगे, पुष्पीय अभिलाषा और दानी पेड़। और जून में पढ़ाया जाएगा पांचवा अध्याय यानी वीर कुंवर सिंह। उसके बाद आता है जुलाई। जुलाई में 6, 7, 8 यानी गंगा स्तुति, साइकिल की सवारी और बचपन के दिन, ये तीन पाठ जुलाई में पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद है अगस्त। अगस्त में नौवां पाठ, दसवां पाठ और ग्यारहवां पाठ, वर्षा बहार, कुंभा का आत्म बलिदान और कबीर के दोह। उसके बाद है सितंबर में, जहां आपकी हाफ ईयरली एग्जाम भी होते हैं और यहाँ है 12 और 13 दो पाठ पढ़ने जाने हैं, जन्म बाधा और शक्ति और क्षमा। आगे देखते हैं आपको अक्टूबर में। अक्टूबर और नवंबर में देखा जाए तो अक्टूबर में आपको पाठ 14 पढ़ा जाता है, वो है हिमसुक्त। उसके बाद नवंबर में 15 और 16 दो पाठ पढ़े जाते हैं, ऐसे ऐसे बूढ़ी पृथ्वी का दुख। उसके बाद देखते हैं हम लोग दिसंबर में। दिसंबर में पढ़ा जाना है आपका सोना, 17वां चैप्टर है। जनवरी में 18, 19 दो पाठ पढ़े जाने हैं यानी हुएंग सांग की भारत यात्रा और आर्यभट्ट। उसके बाद है फरवरी में। फरवरी में आपको 20 और 21 पाठ पढ़े जाने हैं, यह है यशस्विनी और गुरु की सीख। उसके बाद है मार्च में 22, 22वां पाठ है और यह है समय का महत्व। और यही आपका यहीं पे आपको जो है वार्षिक, इसी महीने में वार्षिक एग्जाम आपका हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब है विषय गणित। विषय गणित में देखते हैं कि अप्रैल माह में क्या पढ़ने हैं। अप्रैल माह में आपको पहला चैप्टर पढ़ना है पूर्णांक की समझ, दूसरा चैप्टर मई में पढ़ना है भिन्न संख्याएं, जून में पढ़ना है तीसरा चैप्टर दशमलव भिन्न। आगे देखते हैं आपको जुलाई में चौथा चैप्टर है आंकड़ों का प्रबंधन। उसके बाद अगस्त में है पांचवा और छठवां चैप्टर ज्यामितीय आकृतियों की समझ, त्रिभुज और उसके गुण। उसके बाद है सातवां चैप्टर सितंबर में पढ़ना है, ये क्या है? सर्वांग क्षमता। उसके बाद देखते हैं अक्टूबर में। अक्टूबर में क्या पढ़ने को मिलेगा? अक्टूबर में आप आठवां अध्याय आपको पढ़ाना होगा या अगर छात्र हैं तो पढ़ना होगा घातांक। नवंबर में नौवां और दसवां चैप्टर पढ़ना है, नौवां बीजीय व्यंजक है और दसवां राशियों की तुलना है। उसके बाद देखते हैं दिसंबर में। दिसंबर में आपको 11वां चैप्टर है सरल समीकरण। जनवरी में 12 और 13 दो चैप्टर पढ़ने हैं परिमेय संख्याएं और ज्यामिति आकृतियों की रचना। उसके बाद फरवरी में 14वें और 15वें चैप्टर को पढ़ना है सममिति एवं 15वां चैप्टर है परिमिति एवं क्षेत्रफल। उसके बाद मार्च में आपको वार्षिक परीक्षा होगी, लेकिन उससे पहले आपको 16वां चैप्टर भी इसमें पढ़ना है त्रिविमीय आकृतियों का द्विविमीय निरूपण एवं पूर्णावलोकन यानी रिविजन। ये है गणित की का सिलेबस मंथली वाइज। विषय अंग्रेजी। अंग्रेजी विषय में देखते हैं कि क्या है अप्रैल में। अप्रैल में है पहला चैप्टर पढ़ना है आपको सिंपैथी, मई में पढ़ना है दूसरा और तीसरा चैप्टर कृष्णा एंड सुदामा, आपको तीसरा चैप्टर है अलादीन फाउंड द वंडर लैंप। उसके बाद इसके बाद जून में जो है रिवीजन है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं जुलाई में। जुलाई में चौथा और पांचवा है, चौथा में द है क्या है? द पीकॉक आवर नेशनल बर्ड, रीड थिंक एंड एंजॉय। और इसमें आपको क्या करना है? पांचवे में पहला पंडित चंद्रशेखर धर मिश्रा, आई हैड अ डॉग। ठीक है, आगे देखते हैं। अगस्त में आपको छठा और सातवां पढ़ना है, इवान पढ़ना है और उसके बाद सातवां है जापान द लैंड ऑफ राइजिंग सन। उसके बाद सितंबर में आपको पढ़ना है आठवां नवा चैप्टर, आठवां है मदर टेरेसा और नवा है दिस सिंपल थिंग्स। उसके बाद आगे देखते हैं अक्टूबर में क्या पढ़ना है। अक्टूबर में 10वां चैप्टर पढ़ना है द लॉस्ट चाइल्ड, रीड थिंक एंड इज वाय। सेकेंड इसका है द मैजिकल पंच। उसके बाद आता है आपका नवंबर। नवंबर में दो चैप्टर 11वां और 12वां है, इसमें क्या है? कबड्डी मैच। अब 12वां है सूरज एंड टूटू। चलिए आगे देखते हैं दिसंबर में। दिसंबर में आपको 13वां चैप्टर है और 13वां में क्या है? रनिंग थ्रू द रेन। उसके बाद रीड थिंक एंड इंजॉय है, क्या है ये?
टिप्स ऑन प्रोनाउंसिएशन एंड स्पोकन इंग्लिश, क्लियर है। जनवरी में आपको 14वां चैप्टर है बिरबल आउटविट्स द चीट। उसके बाद है फरवरी में आपको 15वां 16वां द गर्ल विद क्रचेस। उसके बाद है आपको 16वां बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड। उसके बाद मार्च में क्या है, रिविजन है यानी पुनरावृत्ति है, और यही आपका एनुअल एग्जाम कंडक्ट होगा। ये है अंग्रेजी का सिलेबस। विषय विज्ञान विज्ञान में देखते हैं क्या है अप्रैल से। आपको अप्रैल में देखा जाए विज्ञान में तो पहला चैप्टर आपको जल और जंगल है। मई में आपको क्या होगा, जंतुओं में पोषण, उसके बाद ऊष्मा, उसके बाद क्या है तीसरा, मानव शरीर के आंतरिक अंग। उसके बाद जून में है आपको चौथा चैप्टर पढ़ना है गति एवं समय। जुलाई में 5 और 6 दो चैप्टर पढ़ने हैं। पांचवा है पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन और छठा है पौधों में पोषण। अगस्त में क्या है, 7वां और 8वां चैप्टर है हवा आंधी तूफान। उसके बाद 8वां चैप्टर क्या है, जलवायु और अनुकूलन। उसके बाद आप सितंबर में देखेंगे 9वां 10वां दो चैप्टर पढ़ने हैं, गंदे जल का निपटान, विद्युत धारा और इसके प्रभाव। उसके बाद 10वां क्या है, महान भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु। अब देखते हैं अक्टूबर में आपको 11वां चैप्टर पढ़ना है रेशों से वस्त्र तक। नवंबर में आपको 12वां चैप्टर पढ़ना है अम्ल क्षार और लवण, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं दिसंबर में आपका 13वां और 14वां दो चैप्टर पढ़ने हैं, मिट्टी और 14वां क्या है, पौधों में संवहन। आगे देखते हैं जनवरी में आपको 15 और 16 दो चैप्टर पढ़ने हैं, इसमें है जीवों में श्वसन और प्रकाश। फरवरी में 17 और 18 चैप्टर पढ़ने हैं पौधों में जनन, 18वां है जंतुओं में रक्त परिसंचरण एवं उत्सर्जन। उसके बाद आपका क्या है, मार्च में पुनरावृत्ति है रिवीजन 1 से लेकर 18 तक, और यहीं आपका परीक्षा कंडक्ट होगा। आप ध्यान रखिएगा सितंबर में भी आपके परीक्षा होते हैं, और वो परीक्षा होता है क्या, वो होता है आपका हाफ ईयरली, ठीक है। चलिए यहाँ होता है एनुअल होता है, और यहाँ क्या होता है, हाफ ईयरली होता है। चलिए ये था विषय विज्ञान का सिलेबस। अब विषय है सामाजिक विज्ञान। आपको पता है कि सामाजिक विज्ञान में 3 अलग अलग बुक्स हैं, वो है हमारी दुनिया, अतीत से वर्तमान, आपको ये अतीत से वर्तमान हो गया, ये सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन हो गया, और पहला हमारी दुनिया। तो आइए देखते हैं कि क्या है इसमें आपका। चलिए देखते हैं अब हमारी दुनिया को पहले जानते हैं, उसके बाद अतीत से वर्तमान सामाजिक आर्थिक भी देखते चलेंगे। पहले हम इसमें जानेंगे अप्रैल से लेकर सितंबर तक, तो आगे देखें। चलिए अभी हमारी दुनिया को देखते हैं। आपको पहला क्या होगा, पृथ्वी के अंदर ताक झांक, दूसरा चट्टान एवं खनिज, ये मई में पढ़ना है। तीसरा आपको चैप्टर पढ़ना है आपको आंतरिक बल और उसमें बनने वाली भू आकृतियां, ये आपको मई में पढ़ना है। उसके बाद आपका जून है, जून में क्या है, तीसरा चैप्टर पढ़ना है क्या है इसका, आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियां, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, जुलाई में आपको दो चैप्टर पढ़ने हैं, 4वां और 5वां, और क्या है, वायुमंडल एवं इसका संगठन। उसके बाद 5वां चैप्टर क्या है, बिन पानी सब सून। अगस्त में हमारी दुनिया में 6वां और 7वां दो चैप्टर पढ़ने हैं, हमारा पर्यावरण, जीवन और आधार, जीवन का आधार पर्यावरण। उसके बाद सितंबर में आपका यही आपका हाफ ईयरली एग्जाम होगा, और क्या है यहाँ, मानव पर्यावरण अंतःक्रिया, लद्दाख में जनजीवन, क्लियर है। ये हमने हमारी दुनिया का देखा अप्रैल से लेकर सितंबर तक। चलिए लगे हाथ देखते हैं अतीत से वर्तमान में अप्रैल में क्या पढ़ना है। अप्रैल में पढ़ना है कब कहाँ और कैसे, पहला चैप्टर मई में पढ़ना है, दूसरा चैप्टर नए राज्य एवं राज्यों का उदय, आपको जून में पढ़ना है तुर्क अफगान शासक। उसके बाद जुलाई में पढ़ना है मुगल साम्राज्य, अगस्त में पढ़ना है शक्ति के प्रतीक के रूप में वास्तुकला, किले और धार्मिक स्थल। उसके बाद आपको सितंबर में पढ़ना है क्या, छठा चैप्टर पढ़ना है शहर, व्यापारी एवं कारीगर। उसके बाद आते हैं हम सामाजिक आर्थिक में भी देख लेते हैं कि अप्रैल में क्या पढ़ना है। अप्रैल में आपको पहला चैप्टर पढ़ना है, और पहला चैप्टर क्या है, लोकतंत्र में समानता। मई में दूसरा चैप्टर है राज्य सरकार, जून में तीसरा चैप्टर है शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की भूमिका। उसके बाद आपका आता है जुलाई में दो चैप्टर पढ़ने हैं, चौथा और पांचवा। चौथा में क्या है, समाज में लिंगभेद, पांचवा में क्या है, समानता के लिए महिला संघर्ष। वहीं अगस्त में सामाजिक आर्थिक में आपको दो चैप्टर 6वें और 7वें को पढ़ना है, मीडिया एवं लोकतंत्र, और 7वां विज्ञापन की समझ। और सितंबर में आपको 8वां चैप्टर पढ़ना है हमारे आसपास के बाजार, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम इसमें जानेंगे अक्टूबर से लेके मार्च तक क्या पढ़ेंगे तीनों सब्जेक्ट में। आइए देखते हैं पहले हमारी दुनिया को देख लेते हैं। हमारी दुनिया में अक्टूबर में 9वां चैप्टर पढ़ेंगे मानव पर्यावरण अंतःक्रिया, थार में जनजीवन। 10वां चैप्टर पढ़ा जाएगा नवंबर में, यह है मानव पर्यावरण अंतःक्रिया, अपना प्रदेश बिहार, उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में जन जीवन। दिसंबर में 11वां चैप्टर पढ़ाया जाएगा मानव पर्यावरण अंतःक्रिया, तटीय प्रदेश केरल में जन जीवन। उसके बाद है जनवरी, 12वां चैप्टर है मौसम और जलवायु। फरवरी में 13वां चैप्टर है मौसम संबंधी उपकरण, और मार्च में आपका रिवीजन है। ध्यान रखिएगा कि मार्च में आपका एनुअल एग्जाम होता है। चलिए अब देखते हैं हम
अक्टूबर में अतीत से वर्तमान में क्या पढ़ेंगे? तो अतीत से वर्तमान में सातवां चैप्टर पढ़ेंगे, अक्टूबर में सामाजिक सांस्कृतिक विकास प्रारंभ से रामानुज तक। ये चूंकि नवंबर में भी हमको पढ़ना है तो इसमें आधा इसमें पढ़ेंगे और आधा नवंबर में पढ़ेंगे। नवंबर में पढ़ेंगे हम महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन से लेके पाठ के समाप्ति तक। वही देखते हैं दिसंबर में, दिसंबर में एक पाठ पढ़ने हैं क्षेत्रीय संस्कृतियों का उत्कर्ष। जनवरी में नवा चैप्टर पढ़ेंगे 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचनाएं। उसके बाद है फरवरी में, फरवरी में क्या है हमारे इतिहास का सर यदुनाथ सरकार और सैयद हसन अस्करी। उसके बाद आपको मार्च में क्या हो जाएगा रिवीजन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में आपको अक्टूबर में कौन सा पाठ पढ़ना होगा। तो अक्टूबर में हमको नवा पाठ पढ़ना होगा बाजार श्रृंखला खरीदने और बेचने की कड़ियां। उसके बाद नवंबर में 10वां चैप्टर चले मंडी घूमने। उसके बाद आपका है दिसंबर में 11वां चैप्टर का आधा पढ़ेंगे समानता के लिए संघर्ष प्रारंभ से कृष्णचंद चौधरी की कविता के बाद से समाप्ति तक। ठीक है, उसके बाद 11वां है आपका जनवरी में समानता के संघर्ष को हम यहाँ फिर पढ़ेंगे। उसके बाद है 12वां, 12वां में क्या है सड़क सुरक्षा उपाय है और ये 12वां जो है फरवरी में पढ़ेंगे और पुनरावृत्ति आपका फिर मार्च में हो जाएगा। तो ये था सामाजिक विज्ञान का सिलेबस। अब है विषय संस्कृत। तो विषय संस्कृत में हम पाठ का नाम विविध शब्द रूप और धातु रूप को इस सिलेबस में उसको डिफाइन किया गया। तो पहले हम देखते हैं अप्रैल से लेके सितंबर तक। तो अप्रैल से सितंबर को देख लेते हैं, आप उसको आपको दिख जाएगा। मैं पाठ के नाम आपको पढ़ देता हूं, समय बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो सकता है। चलिए देखते हैं अप्रैल में वंदना पढ़ना है। उसके बाद यहाँ देखिए वर्णा है, दात्री है, पितरी है, ये शब्द रूप है। आपका धातु रूप पठ और गम है। आप देखिए मई में आपको कथा यहाँ है। उसके बाद आपको जुलाई में क्या है पहेली का संख्या ज्ञानम आपको जुलाई में। उसके बाद अगस्त में क्या है दीपोत्सव वसुधैव कुटुंबकम स्वतंत्रता दिवस, ये आपको अगस्त में पढ़ना है। यहाँ आपको ध्यान रखना है विविध विधि की पुनरावृत्ति करनी है। आपको शब्द रूप में श्रीमद गुणी पच वस लव, ये आपको धातु रूप में हम देखते चलते हैं आपको कौन सा पाठ पढ़ना है। सेप्टेम्बर में आपको सुभाषितानी पढ़ना है और यहाँ इसका विविध में आपको पुनरावृत्ति करनी है। शब्द रूप में राजन और विद्वस पढ़ेंगे और धातु रूप में वंद स वृत पढ़ेंगे। आगे देखते हैं अक्टूबर से लेके आपको मार्च तक। ध्यान रखेंगे सितंबर में हाफ ईयरली एग्जाम होता है। आइए देखते हैं अक्टूबर में, अक्टूबर में जो पाठ पढ़ा जाएगा वो पढ़ा जाएगा दिनचर्या और उसमें त्रिदंत पदानी और उसके शब्द रूप में सर्व तीनों लिंगों में और धातु रूप जन होगा। आइए देखते हैं नवंबर, नवंबर दिसंबर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये पाठ जो है दोनों आपको महीने में पढ़ना है एक ही चैप्टर और विविध में पुनरावृत्ति है। आप शब्द रूप आपके सामने है अस्मद और युष्मद तत् तीनों लिंगों में अस्क्रीता नश्य धातु रूप में है। आप जनवरी में देखिए धनिबाजी में क्या होगा परिहास कथा पढ़ना है आपको, फरवरी में बोधगया पढ़ना है और आपको मार्च में पुनरावृत्ति पढ़ना है। उसके बाद विभेद में भी यही पुनरावृत्ति है। आगे है किम तीनों लिंगों में कत और प्रवृत्ति। तो ये हम लोगों ने संस्कृत के आपको सिलेबस को जाना आप अप्रैल से लेके मार्च तक। क्लियर है? चलिए तो ये हम लोगों ने जाना क्लास 7 में पढ़ाए जाने वाले विषय के सिलेबस के बारे में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि यह लाभदायक है तो लोगों के साथ शेयर कीजिए। यदि आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दो। जल्दी ही और सब्जेक्ट्स के आपको सिलेबस देखने को मिलेंगे और आपको ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि सारे सब्जेक्ट के प्रश्न उत्तर भी आपको इस चैनल पे उपलब्ध है। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।